स्वागत है आप लोग का न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आए आप लोग के लिए हम जबरदस्त न्यूज़ लेके। दोस्तों पेट्रोल डीजल पर खुशखबरी मिलने वाली है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री ने खुलासा किया है और चुनावी मौसम है, जैसा कि आप जानते हैं LPG सिलेंडर 200 रुपये सस्ता हो चुका है, उसके बाद अब पेट्रोल डीजल की बारी है। जल्द ही पेट्रोल डीजल पर भी आपको खुशखबरी मिलेगी, डेट भी बताऊँगा कब मिलेगा, कितना होगा और क्या किस तरीके से होगा, सब पे बात करेंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पेट्रोल डीजल के रेट पर खुशखबरी, LPG के बाद अब पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। दोस्तों 200 रुपये सस्ता हुआ है LPG सिलेंडर, जो कि कम है पर सस्ता तो हुआ है। आपकी जेब से अब 200 रुपये कम जाएंगे और वहीं उज्ज्वला के सिलेंडर वालों को 400 रुपये कम लगेंगे। दिल थाम लीजिए, चुनावी मौसम में मिलने वाली है बड़ी राहत, सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। दोस्तों यूँ तो पेट्रोल डीजल सस्ता इसलिए हो रहा है क्योंकि रसिया यूक्रेन युद्ध में कंपनियों ने बहुत बड़ा अमाउंट छापा है। बहुत दिन से पेट्रोल डीजल उनको क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा था रसिया की तरफ से $60 प्रति बैरल, और उसके कारण से कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। इस कारण से थोड़ा कंपनियाँ अभी रेट कम कर सकती है, और दूसरा सरकार का भी दबाव है कंपनियों पर कि वो रेट कम करें। आने वाले समय में दोस्तों जैसे कि LPG सिलेंडर 200 रुपये सस्ता हुआ, उसी के तर्ज पर 3 से 5 रुपये का बात कहा जा रहा है, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो 10 रुपये तक की बात कही जा रही है। हालांकि 10 रुपये बहुत दूर की कौड़ी लगती है, पर 3 से 5 रुपये ज़रूर सस्ता हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। सरकार अपनी जेब हल्की करेगी, हालांकि सरकार अपनी जेब हल्की नहीं करेगी। सरकार ने जैसे कि LPG पर भी कंपनियों को कह दिया है कि उन्हें बजट से पैसा नहीं दिया जाएगा, उसी तरीके से पेट्रोल डीजल पे भी बजट से पैसा नहीं दिया जाएगा कंपनियों को। कंपनी अपने जेब से ही ये खर्चा उठाएगी। 3 से 5 रुपये सस्ता कर दिया जाएगा। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, 4 से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी दिसंबर से मार्च के बीच में हो सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। तो सरकार इस पे पेट्रोल डीजल आपका सस्ता कर सकते हैं। कुछ एक्साइज ड्यूटी वैट कुछ तो कम करना पड़ेगा, या फिर कंपनी के सर पे ही ये ठीकरा जाएगा, और वो भी सब सरकारी कंपनी ही है जो पेट्रोल डीजल इंडिया में ज़्यादातर बेचती है, रिलायंस को अगर छोड़ दिया जाए तो। दोस्तों आने वाले समय में आपको 3 से 5 रुपये सस्ता हो सकता है पेट्रोल, जनता को दिया जाएगा फ़ायदा। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 15 महीने से स्थिर हैं, अगर अभी सस्ता नहीं होगा तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे भी नहीं, इतना तो तय है। हालांकि कहा जा रहा है कि 8 रुपये डीजल के और पेट्रोल के और 6 रुपये डीजल के उत्पादन शुल्क घटाया गया है। हालांकि ये बात अभी हरदीप सिंह पुरी ने डेट नहीं बताया, पर इतना तो जरूर कहा है कि पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। 3 से 5 रुपये की एक रेट बताया जा रहा है, पर कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में 10 रुपये तक भी पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं, पर अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि सरकार का ये चुनावी वायदा भी हो सकता है कि आने वाले समय में चुनाव को देखते हुए सरकार पेट्रोल डीजल आपके लिए सस्ती कर सकती है। तो जो भी हो, जनता को पैसे कम देने पड़ेंगे ये बात तय है, पर ये कितने दिन के लिए होगा ये कहना मुश्किल है। क्या चुनाव जाने के बाद फिर से पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा और गैस सिलेंडर भी, ये बड़ा मुद्दा है। इस पर आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगता है, मेरे एनालिसिस कैसे लगते हैं ज़रूर लिखिएगा, और अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और अपने फ्रेंड और फैमिली तक इस चैनल को शेयर भी कीजिए वीडियो को, ताकि चैनल के रीच बढ़े। और सबसे लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरा वीडियो दूसरे तक शेयर भी कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। पेट्रोल डीजल सस्ता होना तो तय है, चाहे जितनी भी हो, 5 रुपये ही हो, पर होगा जरूर। बाय।